नियमितीकरण, 7 वेतन आयोग, LTC का भुगतान, मेडिकल लीव, कैशलेस बीमा, ELCL, पुरानी तबादला नीति को लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर NHM कर्मचारी सांझा मोर्चा हरियाणा के बनेर तले स्थानीय लघु सचिवालय के बाहर जारी NHM कर्मचारियों का धरना मंगलवार को 19 दिन भी जारी रहा। लेकिन सरकार NHM कर्मचारियों की मांग मानने की बजाय सरकार के खजाने खाली होने की बात कह रही है। सरकार के इसी बयान से गुस्साए NHM कर्मचारियों ने मंगलवार को शहर में प्रदर्शन कर सरकार के खजाने भरने के लिए भीख मांगी। NHM कर्मचारियों का प्रदर्शन स्थानीय लघु सचिवालय से शुरू हुआ तथा नागरिक अस्पताल होते हुए वापस धरना स्थल पर ही संपन्न हुआ। इस दौरान NHM कर्मचारियों ने हाथों में कटोरे लेकर राहगीरों से सरकार के खजाने भरने के लिए भीख मांगी। इस मौके पर NHM कर्मचारी विजेंद्र सिवानी व नीलम ने कहा कि सरकार कहती है कि NHM कर्मचारियों को देने के लिए सरकार के पास कुछ भी नहीं है। ऐसे में NHM कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के लिए भीख मांगी है ताकि सरकार के खजाने भरकर NHM कर्मचारियों की मांगें पूरी करवाई जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार बार बार उन्हें वार्ता के लिए तो बुला लेती है लेकिन उनकी मांग मानने की बजाय सिर्फ आश्वासन देकर उन्हें टरका देती है। उन्होंने कहा कि सरकार की वायदा खिलाफी के चलते कोरोना योद्धा भीख मांगने को मजबूर है ताकि भीख से एकत्रित हुए रुपए सरकार के खजाने में जमा करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि NHM कर्मचारियों को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है तो वे सरकार से यह पूछना चाहते हैं कि वह कमेटी कहाँ है तथा उसने अब तक क्या निर्णय लिए है। उन्होंने कहा कि जब तक उस कमेटी का निर्णय आएगा तब तक चुनाव सम्पन्न हो चुके होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों को बरगलाने का प्रयास कर रही है। NHM कर्मचारियों ने कहा कि प्रदेश के लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाले NHM कर्मचारियों को सरकार राजनीतिक होने की बात कहते हैं तो वे सरकार को बता देना चाहते हैं कि यदि वे राजनीतिक लोग होते तो वे भी रोल पर बैठकर अपने हक मांगने की बजाय पक्की कुर्सी पर बैठे होते। उन्होंने कहा कि सरकार को शर्म आनी चाहिए कि जनता की सेवा करने वाले NHM कर्मचारियों को उनके हक देने की बजाय उनका अपमान कर रही है। उन्होंने कहा कि वे पिछले 27 वर्षों से सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी अपने हकों के लिए सड़कों पर है तो ये सरकार की नाकामी है। NHM कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखेंगे, इसके लिए चाहे उन्हें कितने ही दिन धरने पर क्यों ना बैठा रहना पड़े। हड़ताल का 19वां दिन है और आज NHM कर्मचारी सरकार की तरफ से भीख मांगेंगे। सरकार ये कहती है ना कि हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए सभी NHM कर्मचारियों ने आज ये फैसला लिया है कि सरकार को भीख मांगकर उसके खजाने में जमा करवाएंगे पैसे ताकि सरकार की भरपाई पूरी हो सके और NHM कर्मचारियों की मांग को पूरा किया जा सके। लघु सचिवालय के गेट से लेकर सामान्य हॉस्पिटल तक जाएगा, वापिस फिर यही आना है। लगातार हड़ताल कर रहे हो, सरकार से कोई बात? सरकार तो बस झूठे वादे करने जानती है और कुछ नहीं जानती, कहती है आ जाओ हम चले जाते हैं लेकिन वहाँ झूठे आश्वासन दे के दोबारा से हमें वापस खाली हाथ भेज दिया जाता है, इसलिए हम आज मजबूर हैं। कोरोना योद्धा NHM कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भीख मांगने के लिए मजबूर हैं ताकि भीख मांग कर जो खजाना इकट्ठा हुए वो हम सरकार के खजाने में जमा करवा सके। क्या कहेंगे? सरकार कह रही है ये राजनीति लोग हैं लेकिन हम NHM के कर्मचारी, हम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, हम बीमारियों को दूर करने वाले कर्मचारी हैं, ना कि हम राजनीति लोग हैं। अगर राजनीति लोग होते ना तो हम भी पक्की नौकरी पे होते, उन्हीं की तरह वहाँ कुर्सी पर बैठे होते, ना कि यहाँ रोड पर बैठे होते। सरकार को शर्म आनी चाहिए कर्मचारियों को, कोरोना योद्धा को वो राजनीति का नाम देते हैं। अगर यहाँ हम राजनीति लोग होते तो क्या हम रोड पे खड़े होते? हम भी आराम से अपने घरों में AC में बैठे हुए होते, लेकिन हम कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग के और NHM के कच्चे कर्मचारी हैं जो सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि रेगुलर किया जाए, हमारी जो सेवाएं हमें दी जाए, हमारे जो भत्ते हैं वो हमें दिए जाए, जल्द से जल्द उन भत्तों को रेगुलर कर्मचारियों का जो भी लाभ है वो हमें दिया जाए, ना कि राजनीति कह के हमारा भी नाम बदनाम किया जाए, हमारा अपमान किया जाए।
आज हड़ताल का 19वां दिन है। अगर सरकार नहीं मानती तो हमारी हड़ताल आगे तक कंटिन्यू रहेगी, चाहे हमें कितने भी दिन लग जाए, हम अपनी मांगे पूरी करवा के रहेंगे। एनएचएम कर्मचारियों की सिर्फ एक ही मांग है, रेगुलाइजेशन की, वो उनका हक है, क्योंकि 27 सालों का संघर्ष कम नहीं होता और 27 सालों का संघर्ष हम लेकर रहेंगे। हम अपनी जो सेवाएं दे रहे हैं हम उनका लाभ हमें भी चाहिए। हम अपनी नौकरी के लिए यहाँ खड़े हैं, ना कि हम शोक में। तो इसलिए मैं सरकार से यही अपील करती हूँ कि जितना जल्दी हो सके एनएचएम कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाए और स्वास्थ्य विभाग को सुचारू रूप से चलाया जाए। धन्यवाद। यहाँ से हम चल के घंटाघर तक जा रहे हैं और वहाँ से उसी रूट से वापस आएंगे। और देखिए, ये हम दिखा रहे हैं सरकार को कि इतने दिन हो गए सरकार ने वार्ता, बार बार प्रवक्ता आते हैं वो कि वार्ता का रास्ता खुला है, वो खुला कहाँ है हमें नज़र आ रहा है। एक बार भी एनएचएम को बुलाया नहीं गया। दूसरी, सीएम साहब कह रहे हैं कि हमने एक कमेटी गठित कर दी है और आपका कार्य प्रगति पे चल रहा है, तो कमेटी कहाँ बैठी है? धरती पे तो बैठी नहीं थी शायद, वो उस कमेटी को इन्होंने चांद पे भेज दिया। और वहाँ से वो जब तक फैसला लेके धरती पे आएंगे ना, चुनाव हो चुके होंगे, एक दो महीने बगैर तो नीचे उतरने वाले नहीं हैं। अगर 20 दिन हो गए अब तक नहीं आए फैसला, तो आगे कब आएगा? तो सरकार का चिंता का विषय है ये। और जो भी हमारा संगठन कर रहा है, अब दिन प्रतिदिन हम इसको आगे और तेज गति से बढ़ाते चले जाएंगे। अगर सरकार नहीं, सरकार आपकी मांगे नहीं मान रही है, कर्मचारी वही होंगे सर, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, आर या पार, सीधी सी बात।